The Zika virus is back in India after at least 29 people have tested positive in Jaipur in Rajasthan. The Zika virus first came to India in early 2017 when two cases were reported. Both were successfully contained through intensive surveillance and vector management. With the current outbreak affecting more people, the Prime Minister's office has sought a detailed report from the Health Ministry. The Health Ministry, on the other hand, has asked people not to panic, saying the situation is under control. Zika virus hamare surveillance ke karan aaya hai aur hamara surveillance itna robust hai sare desh mein ki koi bhi aisa case aata hai to us case ko hum pakad lete hain aur uske baad hamare standard protocols hain WHO ke sath mil karke un standard protocols ko hum dhyan mein rakhte hain. Isolated case hai ya collective case hai, केसेस का इंसिडेंस क्या है, हमारे ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इसकी सर्विलेंस भी चलती है, अपने डिपार्टमेंट की भी सर्विलेंस चलती है. तो ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और हमारा DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये तीनों मिलकर के टीम कॉम्प्राइज करके इसको देख रहे हैं. मैं आपके माध्यम से भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, नथिंग टू बी पैनिक. It is our continuous surveillance process which is going on and we will take accordingly. Jahan jahan iske incidents milte hain wahan hum puri tarike se isko hum samapt karne ke liye us community mein jo bhi protocols adopt karne hote hain wo sare karte hain. A 7-member high level central team has been sent to Jaipur to assist the state government in control and containment measures. A control room has also been activated at the National Center for Disease Control to undertake regular monitoring of the situation. Exercise of fogging and spraying to control the breeding of mosquitoes has begun across Jaipur. Authorities have also surveyed over 6,000 houses and treated over 2,000 containers with a chemical called Temiphos. Our basic purpose is that we control vector control, meaning that we have to attack the mosquitoes. और ये जो हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है ये इसी पर्पज से किया जा रहा है. घरों में जाके टंकियां देखी जा रही हैं, कूलर देखे जा रहे हैं, परिंदे, गमले, जहां भी कहीं घर में, हर घर में कम से कम 8 से 10 पॉइंट ऐसे हैं जहां पानी का स्टोरेज किया जाता है और हर उस पॉइंट को चेक किया जा रहा है. और इसीलिए ये आंकड़े देखिए और विभाग ने जो मेहनत करने की कोशिश करी है उसको आप देखें कि करीब 29,000 ब्रीडिंग साइट्स जो हैं वो चेक की गई हैं और करीब 23,000 से ज़्यादा कंटेनर्स को हमने, कहीं पानी की टंकी है, कहीं कुछ और सामान है जिसमें पानी रख रखा है, थर्मोकोल के भी डिब्बे कई लोग रख लेते हैं, उसमें लार्वा पाया गया है. और इनमें करीब 29,000 कंटेनर्स साइट्स, इनमें हमने सोर्स रिडक्शन किया है, यानी कि पानी को खाली करवा के उसकी सफाई की गई है ताकि लार्वा जो है वो खत्म हो जाए. अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट 179 मेडिकल टीम्स आर वर्किंग इन 6 वार्ड्स इन जयपुर शास्त्री नगर एरिया टू वॉच आउट फॉर एनी सिम्टम्स विद एन एक्स्ट्रा फोकस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन. हमने ऐसे में 2-3 हमारी स्ट्रेटजीज रहती हैं कि एक तो ये कि हम सबसे पहले जो हमारा अफेक्टेड एरिया है उसको हम कैसे सैचुरेट करें, उसमें कैसे अपना पूरा रिसोर्स हम उसमें लगा दें ताकि ये जो इसके पॉजिटिव केसेस आएँ ये वहीं के वहीं रुक जाएं और उसका फैलाव नहीं हो. दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी. और इसी के लिए पिछले यूं तो 15 दिन से काम चल रहा है लेकिन पिछले एक हफ्ते में उसको और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया गया है. आज की तारीख में रोज़ करीब 150 से 200 टीम्स स्वास्थ्य विभाग की पूरे एरिया में एक तरह का, मैं कहूँ उसको, कोम्बिंग ऑपरेशन कर रही हैं. घर घर जाके सर्वे किया जा रहा है. अब तक लगभग 26,000 घरों का सर्वे किया जा चुका है और इसमें हम जितने भी फीवर के केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं, जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनकी लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं. Bihar too has issued an advisory to all its 38 districts as one of the affected in Jaipur is a student from Bihar. Even though a WHO notification from November 2016 removed the Zika virus from the list of public health emergency of international concern,
The Indian government has continued to look out for the deadly virus. Bureau Report, Rajya Sabha TV.